आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ETF से होने वाले बड़े नुकसान की यानी लॉस की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रोज तो बेनिफिट के ऊपर वीडियो बनाता हूं और आज नुकसान के ऊपर वीडियो कैसे बना दिया है। जी हाँ, ये वीडियो सही है। अगर आप भी ETF के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। छोटी छोटी गलतियां आपके पोर्टफोलियो को खराब कर देती है और आप लोग उससे प्रॉफिट नहीं निकाल पाते हैं। सही कह रहा हूं ना, ETF से बहुत से लोग प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। कमा पाते हैं तो बहुत कम कमा पाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। वो कौन सी गलतियां हैं, सभी गलतियों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया और वो गलतियां नहीं की, तो इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आप ETF से ले सकते हैं, कमा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं गलतियों की बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास में आते हैं कि सर हमने ऐसे इन्वेस्ट कर रखा है या हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो वो सभी सवालों को मैंने आज इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया है, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखना। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और गौर करते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जिनको ना करके आप अच्छा प्रॉफिट ETF से निकाल सकते हैं। अब देखिए, जब भी हम ETF के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे माइंड के अंदर थॉट क्लियर होना चाहिए कि हमको किस पर्पस से हम ETF के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं या हम शॉर्ट टाइम, तीन तीन चार चार महीने के अंदर एक सर्टेन 15% 20% प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, वो हमारा पर्पस है, या लॉन्ग टाइम के पर्पस से हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसी को देख के आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अब लोग पोर्टफोलियो के अंदर गलती क्या करते हैं, अब देखिए सबसे बड़ी मिस्टेक होगी पोर्टफोलियो के अंदर, या तो एक ही ETF होगा, एक ही ETF के अंदर अपना सारा कैपिटल, पूरा जो कैपिटल है वो एक ही ETF के अंदर डाल देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। और आपका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर, जैसे आपकी कैपिटल मान लीजिए 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए की आपकी कैपिटल है, तो 1 लाख रुपए की कैपिटल के अंदर आपको इन्वेस्ट जो करना है वो कम से कम आपके 5 ETF के अंदर होने चाहिए। 5 ETF आपके पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए 1 लाख रुपए अगर आपकी कैपिटल है इन्वेस्ट करना है। अगर ये कैपिटल आपकी 50,000 रुपए है तो भी मैं कहता हूं 3 से 4 ETF के अंदर आपके पास में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तब एक अच्छा पोर्टफोलियो कहलाएगा। और ये नंबर सेकंड, नंबर थर्ड मिस्टेक पोर्टफोलियो के अंदर क्या करते हैं आप लोग, अगर आपने एक सेक्टर वाइज आपने इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए एक सेक्टर में ही आपने, जैसे PSU के अंदर आपने इन्वेस्ट कर रखा है या गवर्नमेंट वाले CPSE उसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये गलती मत करना, सेक्टर वाइज आपको इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। जो सेक्टर के ETF है सारे वही सेलेक्ट नहीं करने हैं। आप जैसे कर सकते हैं Nifty 20 आपने कर लिया, अब इसके अंदर क्या हुआ, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज है निफ्टी की, टॉप 50 कंपनीज वो आ चुकी है सारी, तो आपका जो पैसा है वो सब इसके अंदर लग चुका है, ये यहां पर आपकी ब्लॉक हो गई है एकदम से, ब्लॉक मतलब 50 कंपनीज आपके कवर हो चुके हैं। अब आपको इसके अंदर इन्वेस्ट तभी करना है नेक्स्ट टाइम जब मार्केट डाउन जाएगा, जब मार्केट डाउन जाएगा, इसके ऊपर भी मैं आऊंगा अभी, तो मार्केट डाउन जाएगा तभी आपको नेक्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना है, या आपने एक बार में यहाँ पर 20,000 रुपए लगा दिए तो बस भूल जाओ, फिर आप उससे आप भूल जाओ निफ्टी 20 से। जैसे मैंने अभी बताया था मार्केट डाउन गया है, मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने सजेशन दिया था लोगों को, मार्केट डाउन गया है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। निफ्टी 20 आज कम से कम मिली तो 7 से 8% अपसाइड में है, वो भी कितने, मात्र 10 दिनों के अंदर। अब 10 दिनों के अंदर 10% का प्रॉफिट बहुत तगड़ा वाला प्रॉफिट होता है, 10 दिनों के अंदर आप 10% निकाल लेते हो। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा मैं नहीं लेता हूं। अब सेकंड क्या है, निफ्टी 20 के अंदर आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब सेकंड आपका इन्वेस्टमेंट जो रहने वाला है, अगर आप टॉप कंपनीज में जाते हो तो निफ्टी 150 के अंदर जा सकते हो, निफ्टी 150 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। गवर्नमेंट का कोई लेना है, सेक्टर का कोई फंड लेना है, तो मैं फिर कहता हूं, हमेशा हर वीडियो के अंदर कहता हूं, जो आपकी कैपिटल है, ये आपकी कैपिटल है, तो सेक्टर वाइज आपको उसमें 10% ही इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी किसी सेक्टर में आप पर्टिकुलर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप 10% आपका जो कैपिटल है उसका इन्वेस्ट करोगे, वरना आपका जो ये है पोर्टफोलियो है उसके अंदर स्मॉल कैप की भी कंपनीज होनी चाहिए, मिड कैप की भी कंपनीज होनी चाहिए और लार्ज कैप की भी कंपनीज होनी चाहिए। तो पोर्टफोलियो को लेकर बहुत से लोग यही बड़ी गलती करते हैं, इसलिए प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड कौन सी बड़ी गलती है जो लोग करते हैं अपने ETF इन्वेस्टिंग के टाइम पर। अब जो सेकंड गलती है वो लोग ये करते हैं कि सही सिलेक्शन ETF का नहीं करते हैं, जो ETF होता है उसका सिलेक्शन सही नहीं करते हैं। अब वो कैसे किया जाए वो भी मैं बताता हूं। अब आप लोग करते क्या है, या मेरे से भी पहले ये गलती होती थी, मैं क्या करता था,
पहले ETF देख लेता था, हाँ ये ETF है, इसने लास्ट एक साल के अंदर भैया 50% का रिटर्न दे दिया है, अच्छा 30 साल के अंदर भैया इसका 40% का रिटर्न है, और ऑल टाइम इसका 25% का रिटर्न है, तो इसके अंदर पैसे लगा दो, 50% तो भैया लास्ट टाइम दिया था, और हमारा पैसा लगा दिया जाए। अब पता चलता है वो ETF वही रेंग रहा है, वो ऊपर जा ही नहीं रहा है। आपका जो पैसा है, मान लीजिए आपने 50 रुपए के पर प्राइस के ऊपर पर शेयर खरीदे हैं, 1000 खरीदे हैं, 2000 क्वांटिटी खरीदी है, अब वो 50 से 51, कभी 50 वापस 51, 49, 52 इतना ही हो रहा है, तो अब बेनिफिट आपको नहीं दे रहा है। तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं लोग, और बहुत से लोग करते हैं, ये पिछला रिटर्न देख लेंगे, मैं वीडियोस भी देखता हूँ, बहुत से लोग बनाते हैं वीडियोस, एक साल में इतना रिटर्न दे दिया है, अब इतनी चांसेस है, तो भैया जो पिछला रिटर्न है उसको माइंड में रखकर कभी भी बाइंग नहीं करनी ETF के अंदर। मैं भी जब हमारे ETF की वीडियोस के अंदर कैलकुलेशन बताता हूँ लर्निंग पर्पस से, वो ऑल टाइम लेता हूँ या इससे भी कम का मैं परसेंटेज निकाल के ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो ये सही सिलेक्शन नहीं कहलाएगा आपका ETF का। मैंने पहले भी बताया था आपको, जब सिलेक्शन कैसे करना है आपको, स्मॉल मिड लार्ज सारी कंपनीज उसके अंदर होनी चाहिए, सारी कंपनीज उसके अंदर होगी तो आपको यहां पर बेनिफिट हो सकता है। तो ये थॉट माइंड में से भैया निकाल देना, बिल्कुल निकाल देना। अब बोलोगे कि सिलेक्शन कैसे करना है, तो सर कैसे करें? अब सिलेक्शन करने का सही तरीका मैं बताता हूं आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप, तीनों मतलब हर सेक्टर वाइज आपका कवर होना चाहिए, हर कंपनीज आपकी कवर हो रही है, अपना जो कैपिटल है उसको अलग अलग पार्टीशन के अंदर आप बांट दो तो आप मोटा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब जो तीसरी बड़ी गलती होती है वो देते हैं लोग हाई ब्रोकरेज, हाई ब्रोकरेज के अंदर लोग मारे जाते हैं। अब बोलोगे कि ये कैसे कम किया जाए, करते हो ना, हाई ब्रोकरेज जाता है, जब भी आप ETF को बाय करोगे तो ब्रोकरेज देना है, सेल करोगे तो ब्रोकरेज देना है। अरे सर कहाँ जी रहे हो, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, ऐसे डीमेट अकाउंट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट यानी ब्रोकरेज का पैसा नहीं लेते हैं, 95% तक पैसा नहीं लगता है उसके अंदर, जो NSE BSE को पैसा जाता है वो कटता है केवल, और ब्रोकरेज आपकी सिंपली फ्री रहती है। अब ऐसे एप्लीकेशन भी मैं ही बताऊं, कमेंट कर देना, ब्रोकरेज फ्री ब्रोकरेज लिख देना, मैं समझ जाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर बना दूंगा कि कौन सा डीमेट अकाउंट है अच्छे जो कि ब्रोकरेज नहीं लेते हैं, फ्री ब्रोकरेज आपके लिए रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा गलती आप क्या करते हैं, हाई मार्केट, जब मार्केट हाई होता है हाई मार्केट के टाइम पर बाइंग कर लेते हैं। अब बोले ये कैसे, ये मार्केट जब हाई है, जैसा भी मार्केट हाई है, ऑल टाइम हाई है मार्केट। अब कल ही मैंने एक कमेंट पढ़ा, मैंने लिखा था कि Nifty 20 से हमने 10 दिन के अंदर 10% हमने प्रॉफिट निकाल लिया है, तो भैया लोग कमेंट आने लगे कि सर अभी कर दे क्या इन्वेस्ट, या अभी कर दे क्या, तो वो गलत तरीका है। जब मार्केट हाई है तब आपको ETF के अंदर इन्वेस्टिंग कभी नहीं करनी, किसी भी ETF के अंदर नहीं करनी है। मार्केट जब हाई है और वहां से जब टूट रहा है, टूटा है मार्केट, तो आपको इस वाली पोजिशन के ऊपर आकर बाइंग लेनी है। जब मार्केट डाउन है, अगर आप मार्केट ऐसे चलेगा हमेशा, ऐसे ऊपर नहीं जाएगा एक बार भी, ऐसे से जाएगा, अगर आपने डाउन साइड में अगर आपने बाइंग कर ली है तो आपके मजे होने वाले हैं, अगर डाउन साइड आपने पकड़ लिया है, अगर आपने अप साइड ही पकड़ोगे कभी भी तो आपको भैया प्रॉफिट नहीं होगा। तो मार्केट जब डाउन होगा, जिस दिन गिरेगा, ऐसे नहीं कि हर दिन बाइंग कर ली है, नहीं गिरा तो मत गिरने दो ना यार, 5 दिन नहीं गिरेगा, 10 दिन नहीं गिरेगा, कभी तो मार्केट डाउन आएगा, जब मार्केट डाउन आएगा तभी आपको ETF को उठाना है, वरना आपको ETF को उठाना नहीं है। और हाँ, अब लोग बड़ी गलती क्या करते हैं, एक बड़ी गलती ये करते हैं कि ओवर, मतलब एक ETF आपने ले लिया, मान लीजिए CPSE ETF ले रखा है, ये केवल एग्जांपल पर्पस से है। अब CPSE ETF बहुत दिनों से अराउंड 100 के आसपास ही घूम रहा है, शायद 100 के आसपास ही घूम रहा है, हाँ कमेंट में और बता देना, मेरे को जहां तक ध्यान है 100 के आसपास ही घूम रहा है CPSE ETF। अब इन्वेस्टिंग कर दी भैया, 3 महीने पहले किसी ने इन्वेस्ट किया है, 98 रुपए के भाव से यहाँ पर बाइंग कर ली है, अब वो भैया वहीं घूमे जा रहा है, अब पता चला है पूरा कैपिटल उसने यहां लगा दिया है और पूरा कैपिटल उसका ब्लॉक है और वो यहीं घूमे जा रहा है, तो भैया अब चांसेस आपको नहीं लगते हैं, अभी जो बूम आएगा CPSE ETF में, जैसा बूम आया था वो नहीं लग रहा है कि नहीं आएगा, क्योंकि तो आप उसको सेल करके निकल जाओ ना, अगर थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है तो लॉस लेके निकल जाओ, लेकिन अपने कैपिटल को तो ब्लॉक मत करो, कैपिटल को ब्लॉक करना बहुत बड़ी गलती होती है जब तक कि आप लॉन्ग टाइम पर्पस से नहीं देख रहे हो। अगर लॉन्ग टाइम पर्पस से देख रहे हो तो आप होल्डिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप लॉन्ग टाइम के लिए देख सकते हो, लेकिन शॉर्ट टाइम में अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो उसको आपको सेल कर देना, लॉन्ग टाइम के लिए बाइंग नहीं करना है। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप इनमें से कौन सी गलती ज्यादातर करते हैं, ज्यादा बार आपसे कौन सी गलती हो जाती है। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है,
जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वही ज्वाइन करना, क्योंकि कई फेक टेलीग्राम भी बन चुके हैं जो कि शायद पैसे से मांगते, मेरे पास में ऐसी कंप्लेंट्स भी आई है, कई ने कमेंट किया है कि सर वहां पर पैसे मांगे जा रहे हैं, तो वहां पर ज्वाइन नहीं होना है। जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है वहीं पर आपको ज्वाइन होना है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, ये अवेयरनेस पर्पज से जस्ट मैंने वीडियो बनाया था। सभी कमेंट्स शायद आई थिंक मेरे ख्याल से जो जो आते हैं वो कवर हो चुके हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।